अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ़त कमाल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सियालकोट। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेन डे 2024 के हवाले से पैगाम शेयर करें। इस दफ़ा इस साल का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्चुअली जो फैमिलीज़ अपनी औरतों पर इन्वेस्ट करती हैं वही उसका फ्रूट भी लेती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, दूर दराज के इलाकों में, ऑल ओवर पाकिस्तान, पंजाब और जौन जौन से भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, कि ख़वातीन की इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि बेटी है, आगे शादी हो जाएगी, फिर हमारे घर से चली जाएगी, इतना पैसा इसकी तालीम पे, इनकी एजुकेशन पे या इसकी फर्दर प्रोग्रेस पे हम क्यों लगाएं। हालांकि सोचने समझने की बात है कि उसी बेटी ने आगे जाके नस्लों को परवान करना है। जो औरत एजुकेटेड होती है वही आगे बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को लेके चलती है। अगर वो फैमिली में कहीं काम नहीं भी करती इन केस, तो फिर क्या होता है, फिर भी वो अपने बच्चों पे तो फर्दर इन्वेस्ट करती है ना, अपनी एजुकेशन अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर देती है। तो थिंक इज़ दैट कि हमें ऐसा सोच को बदलना है। अब इस सिलसिले में क्या है कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब ने एक कैंपेन लॉन्च की है, ये है सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसमें ऑल ओवर पंजाब इसको लॉन्च इसलिए किया गया है कि रवैयों में थोड़ी तब्दीली लाई जाए, ताकि ख़वातीन को थोड़ा एम्पावर किया जाए। इस सिलसिले में हमारे डीजी साहिबा मोहतरमा समन राय ने इस सिलसिले में बहुत एफर्ट की है, तो उस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि आगे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, ख़वातीन की एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी बिहेवियर चेंज के लिए काम किया जाए। अब फर्दर मैं बात करूंगी कि पाकिस्तान की जो आबादी है कुल राउंड अबाउट, उसमें 48.5% जो हिस्सा है वो औरतों का है। और अगर आप इसको टोटल कर लें केस, तो आप समझ लें कि 50% औरतें हैं तो 50% आदमी हैं। अगर हम आबादी में पूरा 50% हिस्सा रखते हैं तो उसमें हमारा प्रोग्रेस में 50% होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उस सिलसिले में हमें और ख़वातीन को हमें आपस में मेहनत करने की ज़रूरत है। अब अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस उस तरह से इन्हेंस नहीं होगा। जिस तरह एक घर को चलाने के लिए मेल फीमेल दोनों साथ साथ मूव करते हैं, साथ साथ मशवरा करते हैं, साथ साथ मिलजुल के चलते हैं, इसी तरह एक कंट्री को चलाने के लिए भी मेल और फीमेल को अपना प्रोग्रेस शेयर देना चाहिए। वो तब होगा जब ख़वातीन पे भी उतना ही इन्वेस्ट किया जाएगा जितना आदमियों पे इन्वेस्ट किया जाता है। हम हर फैमिली ये सोचती है कि लड़के को पढ़ा लें, लड़के को पढ़ा लें, क्योंकि लड़के ने आगे इकॉनमी शेयर करनी होती है फैमिली की। इसी तरह औरतों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब औरतें भी इकॉनमी में उतना ही पार्ट प्ले कर रही हैं जितना के आदमी कर रहे हैं। सो इस सिलसिले में हमें सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।